आइए बेटा स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक ट्रिक्स। बेसिक ट्रिक्स किस हिसाब की हैं, किस लिए हैं? बेसिक ट्रिक्स बेटा आपको हेल्प करने वाली हैं कन्वर्जन्स में। कन्वर्जन्स का क्या मतलब है मैम? बेटा कन्वर्जन का मतलब है कि अगर आपको जैसे जीडीपी एट एमपी दे रखा है क्वेश्चन में और आपको एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो आप जीडीपी एट एमपी की हेल्प से एनएनपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? या बेटा इसका उल्टा भी देख सकते हैं, एनएनपी एट एफसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपको उसकी हेल्प से जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करना है, तो आप उसका फॉर्मूला खुद कैसे फ्रेम कर पाओगे? यानी कि बेटा हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की कि एक एग्रीगेट से आपको दूसरे एग्रीगेट पे जाना है। लेट सपोज एनडीपी एट एमपी आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको उससे क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, या एनडीपी एट एफसी आपको गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी, राइट? तो आप ये कन्वर्जन्स कैसे करोगे, कैसे आप कौन से फॉर्मूले लगाने वाले हो जिससे आप ये कन्वर्जन्स कर पाओगे? तो हम इस वीडियो में सबसे पहले यही बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक ट्रिक्स कि कैसे आप एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जा पाओगे। सो बेटा आपको यहाँ पर चार ट्रिक्स पता होना बहुत जरूरी है और वो पहली ट्रिक है अबाउट द फर्स्ट लेटर। जैसे बेटा आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर मैंने दो आइटम्स लिखी हुई हैं, एक है जीडीपी एट एमपी, सेकंड है बेटा एनएनपी एट एफसी। तो अब फर्स्ट लेटर इनका ये वाला है। फर्स्ट लेटर क्या क्या हो सकता है बेटा? फर्स्ट लेटर या तो जी हो सकता है या क्या हो सकता है, एन हो सकता है। तो अगर फर्स्ट लेटर जी है तो हम उसे प्रोनाउंस करते हैं ग्रॉस, अगर फर्स्ट लेटर एन है तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, नेट। ओके तो मैम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो बेटा ग्रॉस से अगर आपको नेट चाहिए या नेट से ग्रॉस पर जाना है आपको यूज करना होगा डेप्रिसिएशन। क्या यूज करना होगा? डेप्रिसिएशन बेटा। और ग्रॉस होता है बड़ा और नेट होता है छोटा। अगर बेटा आपको नेट कैलकुलेट करना है और ग्रॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्या करना है, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देना है, क्योंकि आपको बड़े से छोटे पे जाना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्रॉस क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, और नेट क्या होता है, छोटा होता है। सो आपको ग्रॉस क्वेश्चन में गिवन है और ग्रॉस से नेट पर जाना है, यानी कि आपको बड़े से छोटे पर जाना है। और हमें पता है कि जब भी हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाएंगे तो हम बड़े नंबर में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो इसलिए आपको ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन क्या करना होगा, माइनस करना होगा अगर आपको नेट पर जाना है। एंड वाइस वर्सा बेटा, अगर आपको नेट गिवन है, नेट गिवेन है और आपको ग्रॉस कैलकुलेट करना है। अभी मैंने आपको बताया कि नेट क्या होता है, छोटा होता है, और ग्रॉस क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है बेटा तो छोटे वाले में क्या करेंगे, ऐड करेंगे कुछ ना कुछ, तो हम नेट में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन टू गेट द ग्रॉस। बिकॉज वी नो दैट कि कभी भी हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है या नेट से ग्रॉस पे जाना है तो कौन सा टूल यूज होने वाला है, टूल जो यूज होने वाला है वो है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बेटा डेप्रिसिएशन की भी होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है बेटा डेप्रिसिएशन के सिनोनिम्स क्या है, डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स क्या है। तो बेटा डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब हम डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से भी बोलते हैं और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है डेप्रिसिएशन को। बेटा 99% न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, डेप्रिसिएशन बेटा आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से गिवन होगा। आइए आगे चलते हैं बेटा, और कुछ हिडन वेज है ऑफ फाइंडिंग डेप्रिसिएशन। कई बार आपको क्वेश्चन में खुद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, हिडन होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेप्रिसिएशन। कैसे हिडन होती है बेटा, आपको किनी किनी क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, एसेट गिवन विद लाइफ स्पैन एंड कॉस्ट। आपको एसेट का लाइफ स्पैन यानी कि कितना एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी, लाइफ स्पैन दिया जाता है और साथ में उसकी कॉस्टिंग दी जाती है कि कितने में उस एसेट को परचेज किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा फिक्स्ड एसेट्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का लाइफ स्पैन है किसका, फिक्स्ड एसेट का। तो यहाँ पे एसेट दे दिया विद लाइफ स्पैन, और 1 लाख की इसकी क्या है, कॉस्टिंग है, 1 लाख की कॉस्टिंग है और लाइफ स्पैन कितना है बेटा, 10 ईयर्स। तो इस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा बेटा बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से,
डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट अपॉन में लाइफ स्पेन. सो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 लाख अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 10,000. तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा, 10,000. क्या मैम और भी कोई तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का? यस बेटा, और भी डिफरेंट वेज में आपको डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है क्वेश्चंस में. कैसे दिया जा सकता है? व्हेन ग्रोस एंड नेट ऑफ द सेम आइटम इज गिवन. बेटा आपको सेम आइटम का ग्रोस भी गिवन हो सकता है और सेम आइटम का नेट भी गिवन हो सकता है. तो उन क्वेश्चंस में आपको ग्रोस में से नेट को माइनस कर देना है टू गेट द डेप्रिसिएशन. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटा, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमें 10,000, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है 8,000. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन का ही ग्रोस दे रखा है और कैपिटल फॉर्मेशन का ही नेट आपको गिवन है. तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 10,000 माइनस 8,000 विच इज 2,000. सो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2,000. नेक्स्ट बेटा बात करते हैं दूसरी बेसिक ट्रिक की, जो कि है सेकंड लेटर से रिलेटेड. जैसे आप देख पा रहे हैं बॉक्स के अंदर है एक तो जीडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी. तो आप देख पा रहे हैं सेकंड लेटर एक तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है, एन है. तो बेटा सेकंड लेटर या तो डी हो सकता है या एन हो सकता है. डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक बेटा एंड एन स्टैंड्स फॉर नेशनल. और जो टूल यूज होता है डोमेस्टिक से नेशनल कैलकुलेट करने के लिए या नेशनल से डोमेस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए, वो टूल यूज होता है बेटा एनएफआईए का. एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए की फुल फॉर्म है बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि एनएफआईए को बेटा यूज करके हम क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक से नेशनल कैलकुलेट कर सकते हैं एंड नेशनल से डोमेस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं. बेटा अगर आपको नेशनल कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, डोमेस्टिक में एनएफआईए को ऐड करना होगा. और अगर आपको डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो आपको नेशनल में से एनएफआईए को क्या करना होगा, माइनस करना होगा. तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटा एनएफआईए के बारे में भी आपको कुछ नॉलेज और होनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चंस में एनएफआईए डायरेक्टली गिवन हो. क्वेश्चंस में एनएफआईए बेटा इनडायरेक्टली गिवन भी हो सकता है आपको, और आपको उसके बदले में उसके क्या गिवन होंगे, कंपोनेंट्स गिवन होंगे. एनएफआईए के कंपोनेंट है बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. तो कहीं बार आपको खुद कैलकुलेट करना होगा एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, आपको खुद कैलकुलेट करना होगा. और उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा बेटा NFIA is equal to factor income from abroad minus factor income to abroad. जैसे for example बच्चे अगर आपको किन्हीं किन्हीं questions में ऐसे given हो सकता है, जैसे factor income from abroad यहाँ पर कितना दे दिया 10,000 and factor income to abroad कितना दे दिया 4,000. तो यहाँ पर आप NFIA खुद निकाल लोगे, factor income from abroad 10,000 में से factor income to abroad 4,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि अब हमारे पास आ गया 6,000. तो आपका NFIA कितना है, 6,000. अच्छा मैम अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हमें ना दे रखी हो, बेटा अगर ये दोनों चीजें गिवन होती हैं क्वेश्चन में तो हमेशा डायरेक्टली गिवन होती हैं. अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं दे रखी तो आप क्या करेंगे, आप उसे जीरो ले लेंगे. जैसे लेट सपोज बेटा आपको सिर्फ क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एनएफआईए कैलकुलेट करते टाइम 10,000 माइनस जीरो कर दोगे. मतलब फैक्टर इनकम टू एब्रॉड की जगह आप क्या पुट करोगे, जीरो. तो एनएफआईए कितना आ जाएगा इस केस में, 10,000. नेक्स्ट बेटा और आपको ट्रिकी क्वेश्चंस में कई बार नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन होता है. जैसे कि बेटा आपको पता है हमें चाहिए होता है नेट के साथ फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, टू गिवन है. तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे बच्चे, साइन चेंज कर दोगे नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड का टू कैलकुलेट NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम कैलकुलेट करने के लिए, फ्रॉम एब्रॉड यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को कैलकुलेट करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड आपको 10,000 गिवन है,
तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड खुद निकाल लोगे, आप साइन चेंज करोगे जस्ट, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो अब आप क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, 10,000 नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया, -10,000। अगर बेटा ये माइनस में होता, लेट सपोज ये -5,000 होता नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता 5,000। नेक्स्ट बेटा थर्ड बेसिक ट्रिक इज अबाउट द थर्ड लेटर। आप देख पा रहे हैं बॉक्स में थर्ड लेटर हमेशा क्या रहता है बेटा, पी ही रहता है, और पी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब क्योंकि ये आइटम हमेशा, ये वाली जो भी लेटर है ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसमें हमें कुछ एड या लेस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे एमपी एंड एफसी की। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज आपको दे रखी है और दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको यूज करना होगा बेटा एनआईटी का, विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है एनआईटी। आपको क्या करना है, अगर आपको एमपी कैलकुलेट करना है एफसी से तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, और अगर आपको एफसी कैलकुलेट करना है एमपी से तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। तो बेटा अब एनआईटी के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनआईटी बेटा जरूरी नहीं है आपको कि हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवेन हो, एनआईटी के कंपोनेंट्स गिवेन हो सकते हैं जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो बेटा एनआईटी आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा, एनआईटी का फॉर्मूला है एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडीज को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनआईटी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे 10,000 है एंड सब्सिडीज कितनी है 8,000, तो एनआईटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, सो 10,000 माइनस 800 इक्वल टू 2,000। मैम क्या एनआईटी कभी नेगेटिव भी आ सकता है? यस बेटा एनआईटी भी नेगेटिव आ सकता है, एनएफआईए भी नेगेटिव आ सकता है। नेशनल इनकम के चैप्टर में कोई भी टूल आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा कई बार एनआईटी और डिफरेंट तरीके से गिवन होता है तो आपको उसके बारे में टैक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए। ज्यादा यहाँ पर नॉलेज की नीड नहीं है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो टैक्सेस हैं वो दो में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है बेटा डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस तो हमें इग्नोर करने हैं जब भी एनआईटी कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत होती है जब हम एनआईटी को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे कौन से होते हैं, ये होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड टैक्स, प्रॉफिट टैक्स एंड इनकम टैक्स। आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार टैक्सेस लर्न कर लीजिए और बाकी जो बच जाएंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। जैसे टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एक इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्सेस ऑन सेल्स, जो भी टैक्सेस सेल्स के ऊपर लगाए जाते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। कई बार बेटा ड्यूटी वर्ड भी टैक्स को ही डिनोट करता है, और कहीं बार एक्साइज ड्यूटी की जगह आपको सिंपल एक्साइज भी दिया होता है तो वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में ही काउंट होगा। तो देखते हैं बच्चे यहाँ पे जैसे हमें एनआईटी कैलकुलेट करना है और हमें क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, सब्सिडीज। तो बेटा हमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इग्नोर कर देंगे। एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कंसिडर करा जाएगा। कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कंसिडर किया जाएगा। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसे भी कंसिडर किया जाएगा। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लिए हमने, एक्साइज ड्यूटी प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी को एड करके, सो ये आ गया बेटा 10,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 विच इज 19,000। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू आ चुकी है 19,000। अब हम एनआईटी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सो 19,000 माइनस 2,000 विच इज 17,000। नेक्स्ट बेटा अब देखते हैं कन्वर्जन्स। अब आपने चारों के चारों ट्रिक्स देख ली हैं कन्वर्जन की, तो लेट सपोज बेटा जीडीपी एट एमपी आपको गिवन है क्वेश्चन में और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी बेटा एनएनपी एट एफसी ही आपकी नेशनल इनकम होती है।
तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसका हम फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं फॉर्मूले के, और जो आपको गिवन होता है उसे आपको राइट हैंड साइड पर लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है, तो बेटा फर्स्ट लेटर जी से आपको एन पर जाना है। तो मैंने आपको बताया था ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और डी से एन पर जाने के लिए, सेकेंड लेटर डी से सेकेंड लेटर एन पर जाने के लिए, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए आपको एनएफआईए क्या करना होता है, ऐड करना होता है। पी तो बेटा पी ही रहेगा, तो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट और ऐड एनीथिंग। फिर उसके बाद आपको एमपी से एफसी पर जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने फ्रेम कर लिया। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे अगर आपको एनएनपी एट एफसी गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे जीडीपी एट एमपी का, तो जीडीपी एट एमपी इक्वल टू, और जो चीज हमें गिवन है एनएनपी एट एफसी गिवन है उसे हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो फर्स्ट लेटर एन से आपको फर्स्ट लेटर जी पर जाना है, यानी कि नेट से ग्रॉस पर जाना है, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को एड करेंगे। सेकेंड लेटर एन से सेकेंड लेटर डी पर जाना है, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, तो आपको एनएफआईए क्या करना है, माइनस करना है बेटा। पी तो पी ही रहता है, यानी कि प्रोडक्ट, एंड एफसी से आपको एमपी पर जाना है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पर जाना है, तो आप एनआईटी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आई होप यहाँ पर बेटा आपको समझ में आया होगा कि एक एग्रीगेट दे रखा होता है तो दूसरे एग्रीगेट पर हम कैसे पहुंचते हैं।